नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ राकेश तारा। आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ ब्रेक। जेके न्यूज़ ब्रेक हर पल पर नज़र, हर खबर पर नज़र रखता है। और आज इस समय राजौरी पूंछ हाईवे की बात करें तो एक एक्सीडेंट हुआ बीएसएफ की गाड़ी के साथ। ये जेके 11F1953 ये बाइक, जो कि प्रॉपर तरीके से अगर बात की जाए तो जिस तरह से आजकल युवा बाइक सवार जो है कितनी तेज़ी से चलते हैं और आए दिन हाईवे में जो है एक्सीडेंट का कारण बनते हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरह से जो है गाड़ी को हिट किया। और हम बताते चलें कि जो बीएसएफ की गाड़ी थी वो देखिए किस तरह से एक साइड से उसने कितना जो कि गाड़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन बाइक सवार जो थे वो रॉन्ग साइड आकर उन्होंने हिट किया और दो बाइक सवार, जिसमें एक की कंडीशन जो है क्रिटिकल बताई जा रही है। और जेके न्यूज़ ब्रेक का हमेशा यही प्रयास होता है कि हम सब लोगों को चाहिए कि जब भी आप हाईवे में लिखते हैं तो गति अपनी धीमी रखें ताकि ऐसी वारदात न हो। ये वारदातें आप दिन व दिन देखते हैं कि बच्चे जो है ये रश ड्राइव करते हैं और इसके कारण जो है एक्सीडेंट का कारण बनता है। और ये तस्वीरें देखिए, ये जम्मू पुंछ हाईवे की हैं। किस तरह से राजौरी से आ रही थी बीएसएफ की गाड़ी, उसने रोकने की कोशिश की। देखिए किस तरह से जूम करके हमारे कैमरामैन आपको बताएंगे कि किस तरह से गाड़ी, बीएसएफ की गाड़ी ने कितना रोकने की कोशिश की और रुकी। और बाइक जो इस समय आप वो देख रहे हैं, ये बाइक देखिए किस तरह से बीएसएफ गाड़ी को हिट किया। और दो बाइक सवार थे जिसमें एक की क्रिटिकल कंडीशन बताई जा रही है। अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि क्या होगा, ये तो आगे समय ही बताएगा। कि जिस तरह से डॉक्टर्स लोग का कहना है कि समय की क्रिटिकल कंडीशन जो है नुकसान भी हो सकता है, ऐसी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। और ख़ासकर हम युवा जो जब बाइक सवार होते हैं तो हमें ये चाहिए कि धीमी गति से चलें और अपनी साइड से चलें ताकि आपकी गलती हो या किसी और की गलती हो, जा सकती है कीमती जाने। राकेश तारा, जेके न्यूज़ ब्रेक, राजौरी। जी बताइए, जिस तरह से ये एक्सीडेंट हुआ क्या कहेंगे दो बच्चे जो सवार थे बाइक पे, क्या कहेंगे? हमने भी देखा, हम उधर से आ रहे थे, लेकिन ये किसी को हमने तो देखे नहीं, लेकिन ये आजकल के जो बच्चे हैं हम इनको यही गाइड करते हैं, एडवाइस करते हैं कि भाई धीरे चलो करो, आस्था चले करो। ये आस्था चलते नहीं है। और ये जो आ रहे हैं लड़के उधर से, ये सामने निशान लगे हैं, टायर के निशान लगे हैं, ये पूरे के पूरे थोड़े रॉन्ग साइड आ रहे थे। और जो बीएसएफ की गाड़ी को आया वो भी गाड़ी है, वो तो अपने साइड पर रहा थी। तो ये देखने को आया कि यहाँ पर थोड़ा जूम था, अभी जूम तो कम हो गया, रुक चले गए, लेकिन ये आजकल के बच्चे जो बहुत तेज़ चलते हैं, हमने कई बार आगे भी इनको एडवाइस किया, रिक्वेस्ट किया कि भाई धीरे चला करो, लेकिन आजकल के बच्चे कोई मानते नहीं हैं, बोलते हैं बूढ़े लोग ऐसे बकवास करते हैं। तो बाद में इनके घर वाले भी रोते हैं और जो पब्लिक होती है, जो इलेक्टिव होते हैं इधर उधर के, जो भी होते हैं भाई बंधु, उनको बड़ा दुख होता है।